तो विकास क्रम को आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम सभी को समझा दिया, पर एक अबूझ पहेली आज भी बनी हुई है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया विकास क्रम में। जी अच्छा ठीक है, तो अगर मैंने आपको 10 अवतार बताए, वो जयदेव के गीत गोविंद में है, विष्णु पुराण में है, लेकिन अगर आप पंचतंत्र पढ़ें तो वहाँ 39 या 39 अवतार होते हैं विष्णु के। जी। उन अवतारों को देखें तो थोड़ा विश्लेषण और बढ़ जाता है। वहां ऐसा बोला जाता है कि, तो कहते हैं कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक विंता और दूसरी कद्रु। तो दोनों जब गर्भवती हुई तो हड़बड़ी सी रहती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि विंता ने हड़बड़ी में अपना पहला अंडा फोड़ दिया, तो उसमें से एक आधा विकसित व्यक्ति बाहर आया, समय से पहले फोड़ दिया। तो आधा विकसित, बड़ा नाराज हुआ वो और कहा कि तुम्हारे इस होड़ में कि तुम्हारा बच्चा अग्रज हो, तुमने समय से पहले मुझे बाहर निकाला, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस बहन से तुमने होड़ लगाया है उसकी तुम दासी बनोगी। ये कह के दोनों बहन थी, कद्रु और कद्रु और विनता, तो ये कह के उड़ गया आकाश में, और दोनों पैर नहीं थे उसके, लेकिन तेजस्वी बच्चा था, और अरुण जो कि सूर्य का सारथी है जिसके दोनों पैर नहीं है, 7 रंग के घोड़े लिए आकाश में आर पार कर आता है सूर्य देव को, वो उनका सारथी बन गया। दूसरे अंडे को वो रहने दी, तब तक कद्रु के 100 पुत्र हुए जो कि नाग हुए, वासुकी शेषनाग जैसे पॉपुलर जो नाम है वो कद्रु के पुत्र हुए। तो सांपों से सांप बड़े हुए पहले, उसके बाद समय जैसा बीता, दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक पक्षीनुमा बच्चा तैयार हुआ जिसे कि हम गरुड़ के नाम से जानते हैं। जी। तो इधर सांप हुए पहले, फिर गरुड़ हुए, और तो दोनों माओं ने अंडे दिए थे, कद्रु और वनिता दोनों ने। अगर आप डार्विनियन थ्योरी देखें तो उसमें एक पंक्षी का नाम आता है आर्कियोप्टेरिक्स, वो ऐसा पंक्षी था जिसके दांत थे और जो कि रेप्टाइल से, या डायनासोर रेप्टाइल से आया था, क्योंकि डायनासोर के वंश का था। तो अगर आप अंडा और मुर्गी जानना चाहें तो अंडे तो रेप्टाइल्स या सरीसृप जिसको हम बोलते हैं, रेंगने वाले जंतु, वो दिया करते थे, सांप अंडे दिया करते थे पहले, बड़े भाई हो गए और पंक्षी भी अंडे देते हैं, तो कौन सा पहले आया, अंडा या पंक्षी? अंडा जाहिर सी बात है पहले आया होगा। तो विकास क्रम में पंचतंत्र की जो अवतारों की धारणा है उससे ये समझ में आ जाएगा कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। अंडा पहले। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपका अपना कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से। इस कार्यक्रम में हमने जाना कि दिव्यता हर चीज में है, हर चीज में मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही, लूंगी विदा, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।